हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। मान लीजिए आपको फेसबुक मार्केट प्लेस को एक प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करना है ताकि आप उससे जो है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है अर्न कर सको। तो सिर्फ ये ही नहीं कि आपको किस तरीके से अर्निंग करने मतलब पता चलेगा इस वीडियो में, आपको अच्छे से प्रॉपरली टोटल डिटेल्स में मैं बताऊँगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं प्रोफाइल बनाने मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, सेलिंग की कैटेगरी पूरी एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें ताकि आपको जो है कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से सारा कुछ सीख जाओ। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ मतलब कह सकता हूँ कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहते हो तो उससे जो उसकी जो SEO यानी कि अच्छे से एक रैंकिंग में आपको करना सिखा दूंगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल मैं एक्सप्लेन करते करते आपको सारा कुछ धीरे धीरे समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फेसबुक के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस प्रोफाइल है ना, तो यहाँ पे आप आ जाओ। देखो ऐसा होम सेक्शन होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस पर आ जाना है, ठीक है। मार्केट प्लेस का ये आइकन होता है, ध्यान से देख लेना, जो अभी ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है। फिर जैसे ही आप इसमें आ जाते हो, अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रोफाइल का ये जो वीडियो है मैं अलग से आपको बना के बता दूंगा कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उसमें इंक्लूड करनी होती है। तो फिलहाल कॉमर्स प्रोफाइल को रहने देते हैं, हम लोग यहाँ पे सेलिंग कैटेगरीज पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल पर मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन से टाइप की लिस्टिंग जो है यहाँ पे बनाना चाहते हो, यानी कि अगर आपको आइटम्स को कुछ ऐड करना है या व्हीकल्स को अगर आप सेल करना चाहते हो, या फिर अगर आप होम्स को देखो सेल और रेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ कर सकते हो। और इसमें सच्ची में कहता हूँ इसमें क्राउड बहुत ज़्यादा है, यानी आपको एक्टिव कस्टमर्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप कोई भी डोमेन में काम कर रहे हो तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स पर क्लिक कर देते हैं। मैं आपको एक डेमो बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रोफाइल है किडो टॉयज का। तो यहाँ पे मैं एक आपको एक नॉर्मल सा एक प्रोडक्ट जो है ऐड करके बताऊंगा और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो सारा भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ओके। सो यहाँ पे ऐड फोटोज पे करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हो, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये टॉय जो है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप जो है इस टॉयज का जिससे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, मैं तो जस्ट इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो उसका मल्टीपल फोटोज आप लोग ऐड करिए, एक फोटोज ऐड मत करिए, क्योंकि ये आपके रैंकिंग को मतलब आगे खींचने में हेल्प करेगा अगर आपने मल्टीपल फोटोज को ऐड किया है तो, यानी अलग अलग एंगल से आपने क्लिक किया है, जो भी मतलब आप समझ पा रहे हो, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस होगा या आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, आप जो भी सेल करना चाहते हो, आपका अगर आप होम बिजनेस कर रहे हो, छोटा कोई बिजनेस आपका अच्छे स्केल पर बिजनेस है, तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐड फोटोज पर मल्टीपल क्लिक करिए, मिनिमम 3 रहेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है एडिंग मोर फोटोज कैन हेल्प अट्रैक्ट इंटरेस्टेड बायर्स, यहाँ पे इन्होंने ये ब्लू टिप पे दिया हुआ भी है, तो आप इसको देख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन फेसबुक मार्केट प्लेस में, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर बताया है किसी ने तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि अगर टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं सब आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है टाइटल, अभी इसमें आपको है ना कैची टाइटल बनाना है। कैची टाइटल यानी क्या होता है, देखो कैची टाइटल, अभी जैसे कि ये प्रोडक्ट है मेरा ट्रांसफॉर्मर है, मुझे पता है ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर, इस तरीके से मैं लिख दूंगा, ये हो गया हमारा, और प्रोडक्ट नेम जो भी प्रॉपर है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, बम्बल बी, ओके, ये हमने लिख दिया। और अगर कोई और स्पेसिफिकेशन है तो आप लिख सकते हो, टाइटल को बड़ा भी अगर आप करना चाहो तो ट्रांसफॉर्मर बल्बल बम्बल बी प्लास्टिक टॉय, इस तरीके से आपने लिख दिया प्लास्टिक DIY टॉय, ऐसा आपने लिख दिया तब भी चलेगा, क्योंकि अगर जो सर्चेबल कीवर्ड होता है वही आपको डालना है, जो आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक है वो ये नाम से सर्च करेगी, तो ये नाम से जो सर्च करेगी तो जो मैक्सिमम जो होता है ना 2 वर्ड्स एकदम हैवी वर्ड्स होना चाहिए, कीवर्ड जिसको मैं कह रहा हूँ एकदम हैवी 2 कीवर्ड, जैसे मेरे केस में हो गया ट्रांसफॉर्मर बम्बल भी। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो कुछ भी हो, आप कोई भी प्रोडक्ट का करना चाहो तो उसका आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा प्राइस, देखो प्राइस कैसे करना है ना, अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर कर रहे हो ना, तो आपको एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, आप बेस्ट से बेस्ट प्राइस में सेल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका प्रोफाइल एक बार अच्छे से पिकअप हो जाता है फिर आप जो है प्राइस जो अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि वो ट्रस्टेड में आएगा और फेसबुक जो है ना क्लाइंट से बार बार सजेशन पूछता है, यानी कि क्या आपने इनसे परचेस किया है करके, आपको इनकी क्वालिटी कैसी लगी, ये एज अ आपको सेलर नहीं पता चलेगा, लेकिन एज अ वो क्लाइंट्स जो भी कस्टमर होते हैं जो विजिट करते हैं आपके प्रोफाइल पर या जो क्लिक करते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड
कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। तो जब भी आप थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हो ना, तो फेसबुक उनसे सजेशन लेता है और वो सजेशन के हिसाब से अगर कोई इनपुट देता है ना, तो वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है आप कम से कम डाल सकते हैं आपके प्रोडक्ट की, अगर आप मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपका ऑलरेडी जमा हुआ नहीं है फेसबुक पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं प्राइस 1 डालता हूँ, यानी कि कोई भी प्रोफाइल पे आएगा तो पहले पूछेगा मुझे कि प्राइस क्या है, और मैं अगर मुझे कन्फर्म पता नहीं है तो करंटली मैं 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं। ब्लॉक सॉर्टिंग एंड स्टैकिंग टॉयज आ गया है, ऑटोमेटिक आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो यहाँ पे टी से मतलब टॉयज एंड गेम सबसे लास्ट ही होगा मे बी। ओके, ये रहा टॉयज एंड गेम्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पजल्स, रिमोट कंट्रोल कार्स, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। यूज़ लाइक हम लोग तो न्यू सेल कर रहे हैं तो हम न्यू लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना ज़रूरी है बहुत। डिस्क्रिप्शन में देखिए बड़ा होना चाहिए, फिलहाल तो मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा कुछ भी। ये जो भी आपने लिखा है, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर बम्बल भी प्लास्टिक दिया हुआ है, ये एज इट इज़ होना चाहिए। उसके अलावा आप आपका नंबर भी दे सकते हो, यानी व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, इसकी स्पेसिफिकेशंस को आप बता सकते हो, आप कहाँ पे लोकेटेड हो, ये एक फिक्स जो होता है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा हो जाता है हमारा एक बेसिक जो होता है, लेकिन एडिशनल लिस्टिंग पे कभी भी क्लिक करना ना भूले। एडिशनल लिस्टिंग पे आने के बाद आपको है ना यहाँ पे टैग्स डालना होता है, देखो दिखाता हूँ कहाँ गया, ये रहा टैग्स। ओके, सो ये टैग्स पे बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि टैग्स एक सर्चेबल कीवर्ड, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मर सर्च कर रहा है तो उसको मेरी लिस्टिंग में दिख जाएगा कि हाँ। और जितना भी आप लेटेस्ट प्रोडक्ट अपग्रेड कर सको उतना बिल्कुल करो, एकदम एक्टिव रहो आप इसमें, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर हमने डाल दिया, यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ बम्बल भी, इस तरीके से लिख दिया मैंने, DIY लिख दिया मैंने। ओके, सो DIY, ओके, आप आपके अकॉर्डिंग डाल देना। ये जस्ट मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, SKU का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो फिलहाल ये मुझे लिस्ट नहीं करना है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा दूंगा ये। ओके, तो ये आपने देखा, फिर आप टैग अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, ऐड वेरिएंट अगर आपके पास वेरिएंट अवेलेबल है, जैसे कलर हो गया या फिर प्राइस रेंज में अगर कुछ डिफरेंस है, साइज़ में कुछ डिफरेंस है, तो वेरिएंट आप उसको ऐड कर दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे रेंज भी आपको पूछा गया है, तो रेंज आप देख सकते हो यहाँ पे कितने साल तक के बच्चों के लिए, तो ये आप डाल सकते हो। सबके लिए अलग अलग कस्टमाइज सेटिंग्स आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको उस चीज़ का जो है ध्यान देना है। ओके, ये आप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगर आप ग्रुप कोई सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इस चीज़ को पब्लिश कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो प्रोडक्ट है लिस्ट हो जाएगा पब्लिशिंग, कभी कभी रिव्यू में चला जाता है, कभी कभी पब्लिश हो जाता है तो ग्रीन डॉट आता है एक्टिव इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हो अच्छे से। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बेसिक में बताया है, टैग्स आपको अच्छे से ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन तो मैंने कुछ डाला नहीं, डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर से डालना है, बढ़िया एकदम अच्छे से लिखना है। अगर कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो उसको पता चलना चाहिए क्या क्या आपने मेंशन किया हुआ है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस मैंने आपको एकदम बेसिक वे में बताया कि किस तरीके से आप जो है लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगेन SKU को भी ऐड करना मत भूले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ कोडवर्ड ऐड करना चाहिए आपके बिजनेस रिलेटेड, तो जो कि आपको फ्यूचर ऑन समझ में आए रिन्यू लिस्टिंग करते वक्त, तो वो भी आप ज़रूर कर देना। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मोस्ट वेलकम, मैं ज़रूर से आपकी हेल्प कर दूंगा। तो गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।